हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी स्वीट चिली कॉर्न। प्लीज गाइस शेयर कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन अगर आप नए हो मेरे चैनल में। फ्रेश कॉर्न को बॉयल करने के लिए हमें चाहिए पानी। जब पानी में उबाल आ जाए, डाल देंगे इसमें 220 ग्राम कॉर्न। इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून शक्कर, बिल्कुल ऑप्शनल है। 1/2 टी स्पून ऐड करेंगे इसमें नमक। जो मार्केट में फ्रोजन कॉर्न आता है आप उसे यूज़ कर सकते हो अगर अवेलेबल है तो। इसे अभी बॉयल करना है हमें 7 से 8 मिनट तक। और ये हो चुका है, अभी हमें फ्लेम को कर लेना है बंद और इसको निकाल लेना है। और आप देख सकते हो कितना सुंदर कलर आया है इसमें। ट्रांसफ़र कर लीजिए सारा एक मिक्सिंग बोल में। और आपको दिखा देते हैं, ये बिल्कुल फ्रोजन कॉर्न जैसे हुआ है जो मार्केट में मिलता है। और फ्रोजन कॉर्न पहले से ब्लंच्ड होता है। ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1/2 टी स्पून मिलाएंगे नमक, 1/2 टी स्पून ऐड करेंगे मिर्ची पाउडर, 1/2 टी स्पून ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है फटाफट। हमारा कॉर्न गर्म है तो जल्दी जल्दी मिक्स कीजिएगा। मैं ऐड कर रहा हूँ 2 टेबल स्पून पानी। अगर आपका कॉर्नफ्लावर अच्छे से कोट हो जाता है तो ऐड मत कीजिएगा पानी। और अगर पानी डालने के बाद ये एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, ऐड लिटिल मोर कॉर्नफ्लावर। इसे कर लेंगे फ्राई। हमने ले लिया ऑयल फ्राई करने के लिए। चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ऑयल। सबसे पहले 4-5 पीस कॉर्न डालेंगे और चेक कर लेंगे ये कितना गर्म हुआ है। हमारा ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है, अभी हमें 1/2 at a time फ्राई करना है। फ्राई कीजिए इसको जब तक इसमें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर ना आए। और बीच बीच में इसे टर्न करते रहिएगा। याद रखिएगा जब आप इसको फ्राई करोगे आपका फ्लेम होना चाहिए ऑन मीडियम। और ये हो चुका है, अभी हमें फ्लेम को कर लेना है बंद। और आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसे ही कलर देना, इससे ज़्यादा नहीं। अभी हमें रिमेनिंग भी फ्राई कर लेना है इन सिमिलर वे। और ये हो चुका है, इसे भी निकाल लेंगे। अभी हमें बनाना है सॉस मिक्सचर जो इसमें कोट होगा। सबसे पहले ऐड करेंगे टोमेटो केचप अराउंड 4 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे सोया सॉस, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे चिली सॉस जो कि बहुत ही स्पाइसी है, 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे विनीगर। अभी हमें इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स। अगर आपका चिली सॉस ज़्यादा स्पाइसी नहीं है तो आप 2 टेबल स्पून ऐड करना। और ये हो चुका है, रख देंगे इसको साइड में फॉर लेटर यूज़। हमें लेना है कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड करेंगे 5-6 टेबल स्पून ऑयल। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज प्याज फाइनली चॉप्ड, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड लहसुन, 1/2 टी स्पून ऐड करेंगे नमक। हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लेना है, हमें कोई कलर नहीं देना है इसमें। ये हो चुका है, अभी हमें पोर करना है हमारा सॉस मिक्सचर जो हमने बनाया था। अच्छा से कर लीजिए सबको मिक्स। अभी आप इसको पका लीजिए अच्छा से 2 से 3 मिनट के लिए। आपका फ्लेम होना चाहिए ऑन हाई। जब आपको लगेगा आपका सॉस थिक हो रहा है, डाल दीजिए सारा फ्राइड कॉर्न्स। इसे अच्छे से कर लीजिए सॉस के साथ मिक्स और 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लीजिए। ऐड कीजिए फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर। आपको अभी इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स। और हमारा क्रिस्पी स्वीट चिली कॉर्न रेडी है। जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को एंड शेयर कीजिएगा आपका एक्सपीरियंस। सर्व कीजिए इसे एज ए स्टार्टर। प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंजॉय कुकिंग एंड टेक केयर।